गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलो मस्त है। अभी क्या है यार, आज अभी मुझे जाना है गुड़गांव जाऊँगा। फिर रास्ते में मेरा एक फ्रेंड आ रहा है, उससे भी मिलना है मुझे, उसको कुछ पेपर्स देने हैं। तो उसको कल ही बोल दिया था मैंने कि भाई आ जाना, मैं तुम्हें पेपर दे दूँगा। तो बोला ठीक है। अभी उसका फ़ोन भी आ गया था कि वो पहुँचने वाला है। धूप कितनी तेज़ होने लगी और इतने सारे मतलब चेंजेस सडनली हो गए। मतलब अभी कितने 10 दिन के अंदर, देखो फरवरी अभी शुरू हुई है और क्या हाल हो गया है, देख रहे हो टेम्परेचर बहुत राइज कर गया है। आप देखो सैटरडे के दिन भी, देखो भाई सैटरडे में भी इतनी मतलब ये है ट्रैफिक, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। बट अब जो गर्मी आ गई सडनली, इसके चक्कर में ही शायद मतलब लोग निकलने लगे थोड़ा जल्दी। तो जो वर्क फ्रॉम होम ले रखा होगा जिन लोगों ने, वो लोग भी अब ऑफिस जा रहे होंगे मोस्टली। मुझे ऐसा लगता है ठंड के चक्कर में तो लोग कम निकलते हैं। और गाइस टेम्परेचर राइज तो आप देखो कैसा हो रखा है, 20 डिग्री मॉर्निंग में ही। तो अब क्या कह सकते हैं, फिलहाल तो गुड़गांव जाएंगे। गुड़गांव में भी अभी मतलब सेम थोड़ा 1-2 डिग्री का अंतर हो जाता है दिल्ली गुड़गांव में। ये भैया को क्या हुआ, सिग्नल ग्रीन है, बढ़ा ही नहीं रहे, खड़ी है। अब निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी निकल रहे हैं, अब जाएंगे शॉपिंग करके फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं मॉल। तो गाइस निकल चुके हैं अभी और अभी पहुँचेंगे सीधे मॉल, बिकॉज आज हो गया है मुझे लेट। और लेट होने के चलते मुझे आज जल्दी शॉपिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका बिलिंग काउंटर का टाइमिंग होता है। तो देखते हैं कितना सामान ले पाते हैं। तो गाइस आप लोग मतलब सैटरडे का भी दिन भी देखो कितना मेरा शेड्यूल टाइट है, आप ही लोग देख सकते हो। मतलब अभी मैं 10-15 मिनट पहले ही मीटिंग से फ्री हुआ और क्या बताऊँ, मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यही बनता है कि मतलब आपको काम भी करना है, फिर अपना पर्सनल काम भी होता है, सब कुछ मतलब ऑफिस के काम के साथ साथ पर्सनल काम भी होता है। तो अभी रास्ते में हैं और पहुंचेंगे, 10 मिनट तो लगता है मुझे, लगता है। मैं यहाँ पे गुड़गांव में एक मॉल है मतलब इसी रोड पे, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास ही है वो, मुझे लगता है एरिया एमजी रोड रख लो, एमजी रोड में है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ से सामान लेंगे। और गाइस आज का दिन, अब देखो कल एक दिन छुट्टी मिली है बट वो भी बहुत टफ टारगेट के साथ, मतलब एक दिन में इतना सारा काम है कैसे होगा पता नहीं। तो गाइस अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो चैनल को, ऐसे बिना सब्सक्राइब किए ही आप लोग देख के और छोड़ देते हो। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, कंटेंट को अगर आप पसंद है तो लाइक करो। और सबसे बड़ी बात कि मैं डेली ब्लॉग अपलोड करता हूँ ऑन टाइम 10 बजे मॉर्निंग में। तो आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो देखते रहिए। और गाइज एक बात और, अभी मौसम चेंज होने से क्या हुआ गुड़गांव में, मतलब टेम्परेचर राइज हो गया हर तरफ। और आज वीकेंड होने के चक्कर में ट्रैफिक जाम भी नहीं मिलेगा। देख लो गाइज आज रास्ते में तो ये अंडरपास से तो खुला ही रहता है, तो उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अभी पहुंचेंगे सीधे मेगा मॉल, लगता है मैंने गलत कर दिया या क्या किया पता नहीं।
अगर रास्ते में गड़बड़ हो गई तो फिर मुझे यू टर्न मार के जाना पड़ेगा। तो लगता नहीं है कि मुझसे गलती हुई है। देखते हैं एक और ग्लोबल फोयर, अच्छा इसके आगे सही है, इससे आगे निकलेंगे तब आएगा वो मेगा मॉल। तो गाइज आज का तो देख ही रहे हो कितना हेक्टिक शेड्यूल के बाद, यहाँ देखो यहाँ पे है टोयोटा का शोरूम। तो गाइज जस्ट मॉल पहुँचते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं, बने रहिए ब्लॉग में। और बस अभी आपको अपडेट करते हैं पहुँच के, बस अब पहुँचने ही वाले हैं और पार्किंग में गाड़ी लगा देंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कोई जाम वगैरह। ये देखो मौत का कुआं में गाड़ी चलाने जैसे लगता है इस पे। क्या क्या लें भाई, जल्दी कर दो भैया, खाली कर दो भैया पहले। इधर ही रहते भैया, इधर बिल बंद हो रहा था ना, मैं बोल रहा हूँ इधर ही रहो, इधर ही। पांच सब अरेंज हो गया और शॉपिंग का पूरा बांध दिया सब कुछ। अब निकलेंगे यहाँ से, बस गाड़ी में बैठते हैं। तो गाइस शॉपिंग का काम तो हो गया, बहुत सारा सामान लिया है और अब बार बार दुकान पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही बार में सारा सामान ले लिए। और अब यहाँ से निकलते हैं, देख लो गाइस घूमते घूमते अब जाड़े के दिन में भी पसीना है, जाड़े के दिन में भी पसीना आ रहा है। तो फिलहाल निकलते हैं एक बार, फिर आपको रास्ते में अपडेट करते हैं। 1 घंटा लग गया मुझे शॉपिंग करने में। तो सारा सामान लेके गाइस निकल चुके हैं घर के लिए। आज तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गया, इतना सारा सामान ले लिए। ये क्या लेके जा रहा है भाई, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, एक ट्रक देख रहे हो, एक ट्रक कोका कोला लेके जा रहा है, कोई डीलर होगा। तो आज बहुत सारा शॉपिंग हो गया है, अब लगता है 1 महीने का तो सारा सामान होगा ऑलमोस्ट उसमें। तो हो गया अपना काम। और गाइस ये पीछे से पता नहीं कौन लाइट ब्लिंक कर रहा है, निकल ले भाई जिधर से जाना है तुझे। तो गाइस अभी फ़िलहाल घर पहुंचेंगे और पता नहीं रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो टाइम 9:38 हो गया, तो देखते हैं रास्ते का क्या माहौल है, जैसा होगा आप पता चल ही जाएगा। और आज इतना सारा शॉपिंग किया है, इतना सारा शॉपिंग करके मतलब क्या बताएं, सामान ही सामान हो गया है। अब तो घर पे जाएंगे, उसको भी ढो के ले जाना है, 2 बार तो लगेगा ही, कम से कम 2 से 3 बार। तो देखते हैं। और कल ही मैं यहाँ से गया था तो ये दिखाया था, ये शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे। तो गाइज आज तो मस्त है, देखो यही दिखाया था मैंने, कुतुब प्लाजा। तो फिलहाल आज का ये प्लान तो सक्सेस हो गया। गाइज देख लो रास्ते का क्या हाल हो रखा है, खाली एकदम, कोई है भी नहीं रास्ते में। और बीच में पता नहीं ये गाड़ी क्यों लगा के रखा है भाई ने। तो अभी घर पहुँचेंगे और अगर ऐसे ही ट्रैफिक मिल जाए, कहीं जाम ना हो, रास्ता खुला खुला, तो मस्त मज़ा आ जाए। और लगता है कोई साइकिल से जा रहा है, देखो ये भाई लोग इस पहाड़ी रोड पे भी साइकिल से जा रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, ये तीनों साइकिल से मस्त एंजॉय करते हुए। तो साइकिलों वाले भी हैं यहाँ पे, अभी दिल्ली में बहुत सारे लोग साइकिल से आते जाते हैं, तो ये एक अब अच्छी बात है, हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर रूटीन से साइकिल चलाते हैं तो मस्त आपको मज़ा आ जाए, मतलब साइकिल का नहीं होता कि बहुत बेनिफिट है कि हेल्थ का, पेट्रोल नहीं लगेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बहुत सारे। तो जितने लोग भी साइकिल चलाते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। और पहाड़ी रूट पे साइकिल चलाना मतलब समझते हो कितना एनर्जी लगता है, और कोई अच्छा डाइट नहीं ले तो आदमी साइकिल इस पर नहीं चला पाएगा, चाहे वो कैसा भी यही हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है साइकिल चलाना इस रोड में, क्योंकि इसमें स्लैंट है आने जाने के लिए, तो गाड़ी उल्टा भी चलाने वाले लोग हैं रोड में, उल्टा गाड़ी घुसा देते हैं और बस उनको यही काम है, क्या कर सकते हैं। का डर था वही हुआ गाइस, देख लो ट्रैफिक जाम लगी गया। और आप
आप लोग देखो कितना घना ट्रैफिक जाम लगा है, और ये भैया आप पता नहीं गाड़ी सटा देंगे क्या पोर्से वाले, देख रहे हो? तो ये भैया मेरी गाड़ी से एकदम पास में, देख रहे हो कैसे कट मार रहे हैं पोर्से वाले भैया, देख रहे हो कैसे गाड़ी काट रहे हैं, तो मेरे आगे ही चल रहे हैं। अब क्या बताऊँ मैं इनको, कुछ कर थोड़ी सकते हैं, बस ट्रैफिक जाम से बचना है कैसे भी। देखो इस गाड़ी का रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, लेकिन देख रहे हो आप लोग, और बस वाले के नीचे एकदम ऐसे दबी पड़ी है, कहीं लग गई तो बस हो गया कांड पता नहीं कैसे गाड़ी, देख रहे हो? तो गाइस ओ भाई भी काट रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, पता नहीं क्या कर रहे हैं उससे वाले भैया, कभी इधर कट मार रहे हैं कभी उधर कट मार रहे हैं। यार अब आदमी तो बचा के ही चलाएगा कैसे भी, और अगर नहीं बचाओगे तो भाई लग जाएगा भाई को, पता नहीं कि ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी लेके निकले हैं तो लग भी सकती है। फिलहाल अब मेरे गाड़ी के आगे से तो हट गए, कभी लेफ्ट कट मार रहा है भाई, कभी राइट कट मार रहा है, पता नहीं क्या है। तो अभी इस ट्रैफिक जाम से निकल जाएं, जल्दी से घर पहुँचें तो मज़ा आ जाए। और गाइस आज तो बहुत टायर्ड हो गया हूँ मैं ऐसे भी, और देखो इनको आप कहीं उधर से इधर ना आ जाए भाई, ये बस यही एक ही है, ये बाइक वाले सब उस गाड़ी का देखने के लिए ही लगे हुए हैं कि वो, क्योंकि रोड प्रेजेंस उसकी बहुत अच्छी है, जहाँ से भी गुजरे हैं तो मज़ा आ जाए गाड़ी देख के लोगों को। तो पोर्शे लेके जो निकलता है इतनी ट्रैफिक में भाई साहब, एक तो उसकी माइलेज नहीं है, 5 की माइलेज है, मुझे तो ऐसे मतलब 5 या 6 की होगी मैक्सिमम, 5 इससे ज़्यादा नहीं होगी। उस गाड़ी का थ्रस्ट इतना है ना, एक बार क्लियर रोड मिला वो निकल गई आगे, जस्ट इस गाड़ी के आगे है, और जो आवाज़ भी उसकी ऐसी है ना, हमिंग साउंड एकदम इतनी तेज साउंड आती है उसकी, देखो देख रहे हो आप, ये दो गाड़ियों के बीच में है, और वो निकाल ही लेगा भाई, वो बहुत तेज, एक तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब थ्रस्ट पे देखो ये आवाज़ जो आ रही है उसी की है। एक बार ट्रैफिक अगर ये मिला तो सडन मेरे को लगता है 3-4 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेगी, 3 सेकंड मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड में होगी, 100 की स्पीड पे जाती है। तो मतलब रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है, हर चीज़ स्पोर्ट्स कार में, मतलब अब क्या कर सकते हैं। तो भाई निकाल ले गया गाड़ी, जैसे ट्रैफिक निकला उड़ गया, वो दिखाई दे रहा है कहीं भी नहीं, एकदम आगे है, बहुत आगे। तो गाइस घर आ गए हैं, और ये देखिए लड़के को सारा सामान रख दिए ना बाबू, कहाँ रखे इधर दिखा दे, अरे नहीं इधर देखो, इधर देखो सारा सामान भी रख दिए लाके, और इसको देखिए बदमाशी, अरे बदमाश इधर देखो सामने, इधर इधर। तो गाइस अब खाना खाएंगे, चॉकलेट खाने में लग गया, अभी खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद क्या करेंगे बाबू बताओ, खाना खा के क्या करेंगे हम लोग? तो अभी खाना खाने जा रहे हैं, क्या बना है बेटा? सत्तू पराठा, सत्तू पराठा खाएंगे अभी। इधर देखो तुम पीछे कहाँ देख रहे हो, इधर देखो ये लड़का क्या कर रहा है बता दो। तो अभी सत्तू पराठा खाएगा, पीछे नहीं देखते, इधर देखो, इधर 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 देखो। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for watching.